शादाबाद विधानसभा के बसपा प्रत्याशी अविन शर्मा के कार्यकर्ता सम्मेलन में सीमा कुशवाहा ने एक एक वोट अविन शर्मा को देने को कहा और सपा व भाजपा की सरकारों पर जमकर बरसी। कुशवाहा ने बताया, जब 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली वो कैसे चली, किसी से कुछ छिपा नहीं, कैराना का दंगा कैसे भूल सकते। बेटियां पढ़ने जाती थी तो शरारती तत्व के लोग बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। 2017 से 2022 तक भाजपा की सरकार बनी तो सबने देखा हाथरस में बूल गड़ी में मनीषा के साथ क्या हश्र हुआ। जब हमें पता चला तो हमने पीड़िता के गांव जाकर मदद करने की कोशिश की तो एडीएम हाथरस ने हमें जाने नहीं दिया और हमारी प्रशासन से झड़प हुई, लेकिन हम नहीं झुके, केवल झुका तो प्रशासन। वहीं लखीमपुर खीरी का जिक्र करते हुए भाजपा पर हमला बोला कि मंत्री के बेटे ने दिन दहाड़े किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मार डाला। भाजपा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसानों के हक में एक शब्द नहीं बोले। किसान अपना हक मांगते मांगते 700 से ज्यादा शहीद हो गए, लेकिन तानाशाह नहीं झुकी। किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला। अब समय संविधान बचाने का है, इसलिए आप सभी शादाबाद से अविन शर्मा को वोट देने को कहा और बहन मायावती को पांचवी बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने को कहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आज हाथरस में प्रचार के लिए आई है, और क्या विशेष रहेगा अगर भाजपा की सरकार 2022 में बनती है? देखिए, पहली बात तो 2022 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, सरकार बनेगी बसपा पार्टी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का शासनकाल बहुत अच्छे से देख लिया है किस तरीके से, सबसे ज़्यादा तो ये हाथरस में देखा गया अगर मैं कहूँ, क्योंकि हाथरस में जिस तरीके से फूलगड़ी गांव की एक बिटिया को रात के समय प्रशासन ने कोर्ट पूरी चला दिया था कैरोसिन डाल करके, तो उन सबका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी पार्टी को देना चाहती है। नहीं, और भी मुद्दे थे आपके पास, बसपा पार्टी ही क्यों आपने चली? देखिए, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया। हमारे पास बीजेपी पार्टी से भी ऑफर आया, हमारे पास समाजवादी पार्टी से भी ऑफर आया, सारी पार्टियों से। सत्ताधीन पार्टी है, लोग लालच में जाते हैं और मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरे ही आत्मा ने अलाउ नहीं किया। जब मैंने पूरा शासनकाल सबका देखा, एनालिसिस करती आ रही थी, और जिन दर्द को मैं परिवारों के बीच जाकर के महसूस कर रही थी, हाथरस की बिटिया का तो देखा ही सबने, उसके अलावा कानपुर में एक 19 साल की बच्ची को रेप करके 10वीं मंजिल से फेंक दिया जाता, वो बेटी 2 घंटे तक पड़ी रहती है नीचे फ्लैट के, और वो व्यक्ति जो प्रतीक वैश्य है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है बहुत देर तक। उसी नगर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस जाकर के होटल के कमरे में अपनी बंदूक से मार पिटाई करती है, उनको इस हद तक पीटती है, क्रुएल्टी करती है कि उनका मर्डर कर दिया जाता है। मीनाक्षी गुप्ता को सबने देखा, उनका केस मैं हैंडल कर रही हूँ, कैसे वो बेटी रोती रही कि हमारे बेटे को न्याय मिला दो, दिलवा दो। हमारे पति से वो पैसे छीन लेते लेकिन जान बख्श देते, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश की जनता कितनी त्रस्त है। उसके अलावा खुशी दुबे बिकरू कांड में एक नाबालिग बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में रखा हुआ है जानबूझ करके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपने कहा कि भाजपा सरकार ने न्याय नहीं देना चाहती, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, आप क्या कहना चाहती हैं भाजपा के लिए? भाजपा के लिए देखिए, जो सिंपल सी बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा जैसी निरंकुश सरकार को सत्ता से हर हाल में उत्तर प्रदेश की जनता को हटाना चाहिए। जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किए, खुशी दुबे की अभी मैंने बात की, एक विवेक तिवारी, एक लड़का अपने ऑफिस से आ रहा है, अपनी दोस्त के साथ कार में बैठा, इनका पुलिस वाला सिर्फ वो शीशा नीचे नहीं कर रहा है कार का, उसको शूट कर देता है, मार देता है, 2 साल पहले की घटना है। इन सबका जवाब कौन देगा? तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हर हाल में सत्ता से जाना चाहिए।